दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैसे तो स्वस्थ रहना भी चाहिए, इसमें स्वस्थ रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। और बात रही स्वस्थ रहने वाली बातों से लेकर, इसी तरह जो भी स्वस्थ रहे तो अच्छा लगता है। मतलब कभी कुछ प्रोडक्ट को बाई खरीदे या स्मार्टफोन के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि कुछ बजट के अंदर हमको कोई नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। और रिसेंटली लॉन्च हुए स्मार्टफोन को लेकर और कोई कंपनियाँ भी ऐसी हैं कि कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारे जेब को कपड़ा पूरी तनख्वाह को खाली कर देती है जब हम लोग स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं और उस कंपनियों पर फोकस किया जाए तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लाती है और उसके बजट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उनके स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसकी ऐसा है नहीं कि उसकी कीमत कम देखने को मिलेगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी में से एक कंपनी है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स एक नया स्मार्टफोन लाने जा रही है जो कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। अब एक इन्फिनिक्स एक स्मार्ट 7 और कब इसे लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया जाएगा, इस पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर अंत तक देखिएगा। अभी तक इस वीडियो को अपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के लेकर। तो इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 एक ऐसा इन्फिनिक्स की तरफ लाया जाने वाला एक नया स्मार्टफोन है जो कि एक खास और एकदम बहुत ही अहम फीचर वाला स्मार्टफोन है। क्योंकि इसमें इस हम और खास इसलिए कहते हैं कि आपको जेब की बजट के अनुसार लेके आया है स्मार्टफोन। मैं सबसे पहले मैं इसकी प्राइस ही रिवील कर देता हूं क्योंकि ये स्मार्टफोन को जब लाया जाएगा 7,499 रुपये, लगभग आपको 7,500 में स्मार्टफोन आपके पास हो जाएगा। और इसकी फीचर भी कहेंगे तो 7,500 रुपये वाले नहीं, इसकी फीचर जो है 15,000 रुपये वाले स्मार्टफोन के बराबर देखने को मिलती है। क्योंकि आपको देखने की इस स्मार्टफोन फीचर जो मिल जाएगा 6,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 6.6 inch की फुल LED आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसकी 7400 brightness के साथ देखने को इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा 7,500 स्मार्टफोन में इसे देखने को नहीं मिलती है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी डिस्प्ले के साथ क्वालिटी के साथ देखने को मिल रही है स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन की बात के लिए बाकी चीज़ के इसमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 4GB RAM और 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और ये 4GB और 64GB स्टोरेज वाले कोई भी स्मार्टफोन नॉर्मली खरीदने जाएंगे तो मैं जिस स्मार्टफोन से शूट करने जा रहा हूँ कर रहा हूँ वीडियो उस स्मार्टफोन की भी कीमत लगभग आपको 14,000 रुपये 15,000 रुपये है। क्यों, ये भी 4GB और 400 की ही प्राइस की रेंज में आती है। और क्या कह सकते हैं जब इस प्राइस इससे 4GB 400 कि हम 15,000 रुपये की खरीदने जब 7,500 में स्मार्टफोन मिल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि इसके फीचर भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और ये स्मार्टफोन कह सकते हैं रियर में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि ऐसा फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहे हैं अधिकतर फ्रंट कह सकते डिस्प्ले और साइड फिंगरप्रिंट, लेकिन रियर वाला भी आप फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में कुछ तो आपको कहीं समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन अधिकतर मेरे मायने में देखने को मिल जाते मेरे को भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ही अच्छा देखने को लगता है। तो कुछ इसी फीचर के साथ इसे 22 फरवरी के स्मार्टफोन को लाया जाएगा, भारत में से लॉन्च किया जाएगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को। और ऐसे में बताइए आप इस स्मार्टफोन को जब लॉन्च किया जाता है क्या आपकी इस फीचर और इस स्पेसिफिकेशन के साथ क्या ये सही प्राइस रखी गई है, कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताइएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।